आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉगिंग चैनल में संदीप व्लॉग्स में। आज का व्लॉग कुछ खास नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैं आज बाइक ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, बाइक के पीछे बैठा हूँ। दिन का समय है तो सोचा कि घूम लेता हूँ और आज का व्लॉग बस यही है। काफ़ी ख़राब है, लेकिन इससे भी बढ़िया रोड मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वो लोकेशन भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा जहाँ वो रोड है। मतलब देखिए, बाइक जब भी आप चलाएं तो थोड़ा सा स्लो चलाइएगा और हमेशा हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाना है। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं कि सब जगह हरियाली ही हरियाली है। वो देखो, वहाँ एक छोटा सा घर है और ये भाई साहब भी काफ़ी आगे जा रहे हैं हम लोग से। विजिबिलिटी जो है ना बहुत ख़राब है, इतना धूल उड़ रहा है ना, लग रहा है कि बारिश का, मतलब बारिश का जो होते हैं ना पानी पड़ने का बाद जो कुहासा, उस टाइप का लग रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि व्लॉगिंग वीडियो में क्यों अपलोड नहीं कर पाता हूँ। बात है कि इक्विपमेंट मेरा, मैंने ऑर्डर जो किया था वो इक्विपमेंट अभी तक नहीं आया। मैंने फ़ोन पे हो गया लेकिन उसको डिलीवर हुआ ये मुझे नहीं पता। मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ उनको कि मेरा सामान कहाँ है, मेरा सामान चाहे अभी ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा आप लोगों को। आपने मंदिर देखा, काली माँ का आशीर्वाद ले लीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यूज़ कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी कीजिए, मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़वा दीजिए आप लोग, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि मैं और थोड़ा सा अच्छे लेवल से ब्लॉगिंग कर पाऊँगा। ट्रैवलिंग ब्लॉग ही है मेरा, तो मैं आप लोगों को अलग अलग फील्ड आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, कि बस गाड़ी में घूमना ही नहीं, मतलब अलग अलग फील्ड में जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसे काम होता है, ज़्यादातर विलेज लाइफ में कैसे काम होता है, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर को आप बढ़ा दीजिए और जो जो भी अभी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं एकदम दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े पक्के सब्सक्राइबर हो। चाहे कुछ भी हो जाए, वीडियो अपलोड भी ना होता लेकिन फिर भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा दिल को छू गया। तो आप लोग मेरे मेन सब्सक्राइबर हैं जो मतलब सुख या दुख में मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो ये रोड है दुमका की तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं। तो अभी जो हम लोग अभी ये क्रॉस कर रहे हैं ये सरडीहा हुआ, तो जो जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आराम से गाड़ी चलाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि घर नज़दीक है तो कब कहाँ कहाँ से कौन आ जाएगा किसी को नहीं पता होता है, इसलिए गाड़ी हमेशा अपने कंट्रोल में, गाड़ी को आप कंट्रोल कीजिएगा, ऐसा ना हो कि गाड़ी आप ही को कंट्रोल कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब हाईवे पड़ता है तो आप देखते हैं ट्रैक्टर, ये सब बड़ा बड़ा ट्रक सब चलते रहता है। देखिए वहाँ एक बाइक वाला जा रहा, टैक्स उठाया जा रहा है, टोल टैक्स। ये देखिए ओवरटेक मानुष, ये छोटा छोटा गाड़ी सब ऐसे ही कर रहे हैं बिना देखे एकदम ओवरटेक कर देते हैं। तो बस कमर्शियल गाड़ी का है अभी तो फिलहाल, प्राइवेट गाड़ी का तो जैसे मैंने देखा, हाँ प्राइवेट गाड़ी का थोड़ा सा होता है, अभी तो अभी नहीं दिख रही।
हाँ एक रिम। तो यही रोड है जो मैं बात कर रहा था रंगनी वाला, और ये रोड आपका चला गया दुमका, उधर दुमका, और ये रोड आपका यहाँ से वहाँ जो हाईवे है, मैप में आप देख लेना, वो हाईवे कनेक्ट हो जाता है।